फाइनली दोस्तों बिहार बीएसपीएससीएल यानी कि बिहार बिजली विभाग का आप लोग का जो एग्जाम डेट है वो जारी कर दिया गया है। आप लोगों को अभी हम नोटिस दिखलाने वाले हैं, जो नोटिस जारी किया गया है आयोग के द्वारा। इस नोटिस के जरिए आप लोग जो है आसान भाषा में सभी टॉपिक को समझ सकते हैं कि आखिर कहां कहां पर आप लोग का जो है एग्जाम सेंटर देने वाला है, कहां कहां पर आप लोग का जो है कितने तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट किए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा। इससे आप लोगों को प्रॉफिट ये होगा कि हम आप लोगों को नए नए जॉब्स का अपडेट और उसके साथ में रेलवे का फ्री में क्लासेस आप लोगों का उपलब्ध कराते आए हैं दोस्तों। तो आप लोगों को ये सारी जो है मुफ्त में जो है सारे क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगे हमारे चैनल पर दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बता दें दोस्तों, अगर आप लोग बीएसपीएससीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग अभी तक अगर ये रामबाण नोट्स को नहीं लिए हैं तो आप लोग बहुत ही बड़ी भूल कर रहे हैं। देखिए ये दोस्तों हम आप लोगों का एक सिंपल सा बता दे रहे हैं, ये आप लोग का जो है टेक 3 का यानी कि टेक्नीशियन 3 के जो पोस्ट पर आप लोग का जो ये भर्ती निकाला गया है बीएसपीएससीएल में, उसका ये आप लोग का जो है सिलेबस का टॉपिक है, ठीक है ना। और उसके साथ अगर हम लोग बात करें कि इसको किस प्रकार से नोट्स को अरेंज किया गया है दोस्तों, तो आप लोग यहां पर देखिए देख सकते हैं। जैसे में ये आप लोग का है क्वेश्चन कि दो क्रमागत फेरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, तो सही जवाब आप लोग का कुंडली अंतराल कहा जाता है, यानी कि वाइंडिंग पिच जो है कहा जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग को सभी टॉपिक, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या चाहिए, तो देखिए परीक्षा बिंदु लिखा गया रहेगा आप लोग को नोट्स में, और सारे वन लाइनर के रूप में आप लोग को जो है दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। और जो यहाँ पर मेन मेन पॉइंट्स है उसके भी, जैसे ये आप लोग का हो गया सिंड्रेलिकल वाइंडिंग, तो उससे संबंधित आप लोग का जो जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको भी यहाँ पर जो है कवर कराया गया है। अगर आप लोग दोस्तों इसी प्रकार बीएसपीएससीएल का अगर आप लोग फुल नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क जरूर से जरूर करिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो किस नंबर पर आप लोग को संपर्क करना होगा, फटाफट सबसे पहले क्या करिए आप लोग, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट करिए 7870141238, ठीक है ना। ये नंबर क्या है दोस्तों, ये नंबर आप लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप करके अपना कोर्स बता दीजिएगा कि हम भी आज जो है बीएसपीएससीएल में टेक्नीशियन ग्रेड 3 में फॉर्म को फिलअप किए हैं, या फिर जूनियर इंजीनियर के लिए, या फिर जूनियर क्लर्क के लिए फॉर्म को फिलअप किया है। जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग फॉर्म को फिलअप किया है अपना पोस्ट जरूर बता दीजिएगा, या फिर रेलवे का भी कोई भी क्लासेस हो। देखिए हमारे पास वैसे इंडिया के सभी एग्जाम का नोट्स अवेलेबल है, तो बीएसपीएससीएल का भी हम स्पेशल बता रहे हैं। आप लोग अपने यहाँ पर व्हाट्सएप करके कोर्स बताइएगा, और कोर्स बताने के बाद दोस्तों मात्र ₹70 में जो है आप लोगों को फुल नोट्स दिया जाएगा, जिस प्रकार से हम सैंपल आप लोग को दिखलाए हैं, ठीक इसका जो है पूरा का पूरा फुल नोट्स आप लोगों को मात्र ₹70 में जो है प्रोवाइड कराया जाएगा बीएसपीएससीएल का। नंबर को नोट जरूर कर लीजिएगा। अब यहां पर समझ लेते हैं कि आखिर आप लोगों का जो है एग्जाम डेट कब से स्टार्ट हो रहा है। देखिए दोस्तों आप लोगों को बता दें, ये जो नोटिस है आप लोग का 1/11/2024 को जारी किया गया था। अब इसमें बहुत सारे भाई हम कंफ्यूज है कि भैया ये जो नोटिस है क्या ये नोटिस सही है या फिर फेक है। तो दोस्तों ये नोटिस आप लोग का 100% सही है, यही कारण है कि हम बहुत दिनों से इस नोटिस पर सेशन नहीं ले रहे थे, मगर सेशन हम कब लिए तो अब लिए, यानी कि बहुत ही ज्यादा लेट करके लिए हैं। लेट क्यों किए दोस्तों, क्योंकि हम इस पर अच्छे प्रकार से थोड़ा जांच पड़ताल किए, तब जाकर के मालूम चला कि नहीं ये जो नोटिस है ये सही में सत्य निकाला गया है, सही नोटिस है। 100% जो है आप लोग का ये नोटिस जो है ये एकदम सही नोटिस है। चलिए अब इसमें आप लोग पढ़िएगा, तो यहाँ पर आप लोग का मेंशन किया गया है कहां कहां पर दोस्तों, तो देखिए सेवा में जिलाधिकारी, जिलाधिकारी देखिए क्या होता है ना, कहीं पर भी अगर आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर होता है तो वहां पर सबसे पहले आप लोग का जिला में जो है नोटिस जाता है, वहां पर नोटिस में जाने के बाद सभी को उसको फाइनल किया जाता है, तब जाकर के आप लोग का सेंटर निकाला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर है आप लोग का पटना, कहां कहां पर सेंटर रहेगा पहले उसको पढ़िए। पटना, आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, नालंदा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और फिर समस्तीपुर में आप लोग का एग्जाम का सेंटर होने वाला है दोस्तों। अब इसमें आप लोग को बता दें, ये सेंटर जो है अभी आप लोग को ऑफिशियल साइट पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आप लोग का जो है हर एक जिला में ये आप लोग का भेजा जाता है। जब जिला में आप लोग का फाइनल हो जाता है तब जाकर के आयोग जो है अपना ऑफिशियल अपडेट जारी कर देता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग का इंटरनल नोटिस है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब पढ़िए यहाँ पर आप लोग का, अगर आप लोग विषय पढ़िएगा तो दिया गया है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के विज्ञापन के तहत में नवंबर दिसंबर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नवंबर दिसंबर माह में आयोजित होने वाले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी हेतु प्रस्तावित परीक्षा केंद्र का सत्यापन किए जाने के संबंध में दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़िए, वहां से उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित किया जाता है कि संप्रति बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में ब्राह्मण नियुक्ति प्रणाली अंतर्गत नियोजन सूचना संख्या 1/2024 के माध्यम से सहायक कार्यपालक अभियंता यानी कि जीटीओ
नियोजन सूचना संख्या 2/2024 के माध्यम से कनीय विद्युत अभियंता यानी कि जीटीओ नियोजन सूचना संख्या 3/2024 के माध्यम से पत्रावती लिपिक भंडार सहायक नियोजन सूचना संख्या 4/2024 ये जितना भी आप लोग का जो ऑब्लिक करके दिया गया है यहाँ पर आप लोग का जो है सूचना संख्या या आप लोग का पोस्ट है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे आप लोग को मालूम होगा कि वेरियस पोस्ट पर इसमें वैकेंसी निकल करके आया हुआ है, वही यहाँ पर जो है सभी पदों के बारे में यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है, ठीक है। के माध्यम से तकनीशियन ग्रेड 3 के कुल 4016 टोटल ये सभी ऑब्लिक जितने भी आप लोग के हैं, जैसे एक पोस्ट हो गया, दो पोस्ट हो गया, तीन पोस्ट हो गया, यहाँ पर चार पोस्ट हो गया, पांच पोस्ट हो गया, टोटल कितने, तो दोस्तों आप लोग के पांच पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी जारी किया गया है। पांचों पोस्ट की संख्या को जोड़ करके 4016 आप लोगों के पदों पर जो है यहाँ पर बात किया जा रहा है। अब यहाँ पर बात कर लें तो उपयुक्त परिपक्ष संबंधित एजेंसी के द्वारा पटना, आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, नालंदा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और फिर समस्तीपुर जिला में कुल 51 परीक्षा केंद्र। ये मत सोचिएगा ना कि हर एक जिला में सिर्फ एक एक रहेगा, भैया वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि BSPSL को जो है बार बार फॉर्म फिलअप किया गया, फिर उसको बंद किया गया, फिर कुछ दिनों के बाद उसको फॉर्म फिलअप को स्टार्ट किया गया, इस प्रकार से BSPSL का फॉर्म फिलअप जो है हुआ है दोस्तों। तो फॉर्म फिलअप काफी यहाँ पर हुआ है आप लोग का जो है, टोटल अगर फॉर्म फिलअप की बात करें तो अच्छे खासे सीटों पर फॉर्म को फिलअप किया गया है BSPSL में, ठीक है ना। तो कुल 51 परीक्षा केंद्रों पर जो है आप लोग का परीक्षा होगा, इसको ध्यान रखिएगा, प्रस्ताव किया गया है। उक्त परीक्षा नवंबर दिसंबर माह में संभावित है, ठीक है ना, संभावित है दोस्तों, यानी कि 100% कंफर्म नहीं है मगर संभावित है। तो देखिए इसी प्रकार रेलवे का भी हम लोग बात क्या कर रहे थे कि कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि ले, नहीं तो भैया अगले 2-3 सालों के बाद ही लेगा, मगर क्या हुआ संभावित टेंटेटिव लिख रहा था, यानी कि संभावित भी लिख रहा था और उसके बाद जो है फाइनल आप लोग का कर ही दिया कि अब आप लोग का एग्जाम जो है सब स्टार्ट ही होने वाला है LP वाला 25 तारीख से, ठीक है ना। तो उसी प्रकार आप लोग को तत्पर रहना है, ये नहीं सोचना है ना कि संभावित लिख दिया ना तो बाद में आराम से देंगे, नहीं भैया तत्पर रहिएगा, नवंबर दिसंबर एग्जाम आप लोग का हो सकता है कभी भी, ठीक है ना। चलिए अब उसके साथ इसी के संबंधित आप लोग का कुछ दिखा गया है, देखिए क्या है, बस वही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोग का लिया जाएगा, वही सब बातें हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों तो ये आप लोग का जो है, जब यहाँ पर आप लोग का पढ़ सकते हैं कि अध्यक्ष का नाम भी यहाँ पर दिया गया है, पंकज कुमार पाल नाम है अध्यक्ष का नाम, ठीक है ना। अब ये जो है आप लोग का कन्फर्म करने के बाद जिला से आप लोग के पास आयोग के पास जाता है, तब जो है आयोग आप लोग का फाइनल एक नोटिस जारी करता है जो कि ऑफिशियल साइट पर भी देखने को मिल जाता है। ये आप लोग का इंटरनल न्यूज था, बहुत सारे भाई अभी भी बोल रहे थे भैया फेक है, रियल है, क्या है क्या नहीं है। तो चलिए जो भी आप लोग का डाउट है वो दोस्तों आशा करते हैं कि मेरे द्वारा बताने पर क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोग इंडिया के किसी भी एग्जाम का दोस्तों नोट्स चाहते हैं, आप लोग को जैसे BSPSL का सैंपल दिखला है उसी प्रकार से आप लोग को किसी भी एग्जाम का नोट्स का सैंपल दिखला दिया जाएगा, सेम नंबर पर आप लोग को व्हाट्सएप करना होगा दोस्तों। नंबर क्या है तो 7870141238, इस नंबर पर आप लोग को व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप करने के बाद अपना कोर्स बतलाना है। जैसे BSPSL का चाहिए तो BSPSL में आप लोग JEE के हैं तो JEE का, टेक्नीशियन का तो टेक्नीशियन का मैसेज कर दीजिए, या फिर NTPC का चाहिए तो व्हाट्सएप करिए और NTPC टाइप करिए, LP का चाहिए तो LP टाइप करिए, टेक्नीशियन चाहिए टेक्नीशियन टाइप करिए, ग्रुप डी चाहिए ग्रुप डी का टाइप करिए, बिहार दरोगा, SSC, MPSC, SSC, CGL सभी का नोट्स मिलेगा दोस्तों मात्र 70 रुपए में। याद रखिएगा कोई भी एक कोर्स सिर्फ 70 रुपए में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए दोस्तों आशा करते हैं कि बातों को समझे होंगे, चैनल पर नए भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ मिलेगा ना भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।